नहीं बाजी, मैं ऐसे नहीं चाहूंगी। हर भारतीय नारी का फर्ज होता है कि अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करे। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगी। बेटी, सिर्फ एक बार हमारे लिए लाडो बन जा, उस जहरीले नाक को पत्थर से मोम बना दे, बस। ठीक है, मैं लाडो जरूर बनूंगी, अपने खानदान की मर्यादा रखने के लिए बनूंगी, जरूर बनूंगी। एक बेटी जब पैदा होती है उसे लक्ष्मी कहते हैं, माँ की ममता बाप का प्यार बुरी नजर से बचाते हैं। जब जवान होके अपने पति के घर जाती है, वहां भी वह नई नवेली दुल्हन उस घर की शान बढ़ाती है। फिर संसार वाले क्यों उस पे अत्याचार करते हैं, उसकी इज्जत से खेलते हैं और बलात्कार करते हैं। हाय रे नारी, तेरी अजब कहानी है, आंचल में है दूध आंख में पानी है। हाय रे नारी, तेरी अजब कहानी है, आंचल में है दूध आंख में पानी है। निशाना है फौजी का, निशाना है ना, कभी खाली नहीं जाता। पिताजी, आखिर फौजी का बेटा हूँ ना। चल बिरजू, अब तेरी बारी है। बापू, मुझे कौन सा फौजी बनना है? बनना नहीं, फौजी हो। माँ दो बेटों को जन्म देती है, एक को घर और गांव संभालने के लिए और दूसरे को मुल्क की हदों की हिफाजत के लिए। और हमारे देश को हल और बंदूक दोनों की जरूरत है। बड़ी ज्योति लाडो की दर है, उसका कोई ठिकाना है? या तो किसी को मुर्गा बनाती होगी या फिर किसी की मरम्मत करती होगी। तो फिर मैं जाता हूँ मुर्गा बनने, थोड़ा नजदीक जाके पापड़ सापड़ खाएगा नी। के हाथों में हथियार, बलि के बकरे हो गए तैयार, पर कैसे काटूंगा, या उन्हें इधर लाओ या मैं उधर जाऊं। ये बताओ, उसके कितने बेटे हैं? दो। क्रिया कितनी है? तीन। जवान हो गई होंगी? हाँ। शादी करूंगा मैं भी, राजा दशरथ बनूंगा। जी, मैं जावांगा तो शादी फूस हो जाएगी, और फूस भी कैसे होएगी जी, पेट के अंदर माल ही नहीं है, सारा खलास हो गया। फिर जाना पड़ेगा। चलो बड़ी, बड़ा मजा आया नी, तीन दिन से पेट के अंदर तकलीफ दे रहा था नी,
आज खुल के हुआ नहीं। अभी डंगा हमारे सामने आएगा तो बंदूक चलाना भूल जाएगा। वो ढाबे पे परोठा बनाएगा। भेड़ा क्या बनाएगा? नहीं कुछ नहीं है, हमको जो कुछ भी करना था वो तो कर लिया। अभी तुम अपना काम करो बाबा, तो जो मुखो खलवा नहीं। धर्मा, ओ धर्मा, ए धरती के राज दुलारे, बाहर आ जा, मुन्ने बाहर आ जा, वरना सारे गांव के खून से इस धरती को लाल कर दूंगा। तेरे सामने रहा धर्मा। अच्छा, तो तू है फौजी देशभक्त धर्मा? ले जा इस देशभक्त को खुफिया अड्डे पर, और पीछे से मैं कुत्तों को हड्डी डालता हुआ आ जाऊंगा। वो सूंघते सूंघते मेरे पीछे आ जाएंगे और ये देशभक्त हमारे अड्डे पर पहुंच जाएगा। ले जाओ पापू। आखिर बापू को लेकर कहां जा सकते हैं? चारों तरफ कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ओ देशभक्त फौजी, ये तेरी कौन है? ये मेरी कुछ नहीं लगती। चुप, झूठ बोलता है। तुझे पता है ना रंगा को झूठ से नफरत है। ये तेरी कौन है? ये तेरी कौन है? ये तेरी कौन है? बोली बोली सच बोली सच बोली। तुम कितनी बहने हो? तीन बहने हैं। रंगा कुछ रंगा तीनों से शादी करेगा। दशरथ बनेगा, 1001 रंगों का बाप बनेगा। रंगा उठा, पर कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान तू करेगा। तूने फौजी की हिम्मत को नहीं जाना। मुझे छोड़ के देख, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या कहा? रंगा के टुकड़े टुकड़े कर देगा। रंगा के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब कन्यादान कौन करेगा? अब कन्यादान कौन करेगा? कटा हुआ हाथ, कटे हुए हाथ ने कन्यादान कर दिया। कन्यादान कर दिया, कन्यादान कर दिया है, कन्यादान कर दिया। तूने देशभक्त फौजी का हाथ काटा है। अगर सर भी कट जाए तो कोई गम नहीं। सुन बे देशभक्त के बच्चे, याद कर तूने मेरे बाप को मारा था। इसलिए ना कि मेरा बाप यहाँ की खबरें फरंगियों को पहुंचाया करता था, यहाँ के हथियार फरंगियों को दिया करता था, तीन धर्म में दीवार खड़ी कर देता था, भाई भाई को खून का प्यासा कर देता था। पर मेरा बाप तो देशभक्त था, गद्दार तो तेरा बाप था, और अब मैं एक एक करके तुम्हारे खानदान को नेस्त व नाबूद कर दूंगा। तूने, ओ तूने, अब जब तू चलेगा तेरी बगल में से
टक टक आवाज नहीं आएगी, पता क्या आवाज आएगी, रंगा कुश रंगा कुश रंगा कुश। अब जाओ इन दोनों की आंखों में पट्टी बांधकर इनके गांव में पहुंचा दो। अरे ये धमकी किसी और को देना, क्या चूहों की तरह बिल में घुसकर बात कर रहे हो? अरे हिम्मत है तो सामने आओ, कसम परवरदिगार की हम मीट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या बात है अहमद भाई? अरे कुछ नहीं राम प्रसाद, वही पुरानी गिदड़ बकरियां, हम पर रौब डाला था। मैं जानता हूं कि ये चूहे जो गरजते हैं ना, ये बरसते नहीं। कह रहा था कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी विदेशी ताकत है और इनसे टकराने पर हमारे देश को लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे लेने के देने तो उन्हें पड़ेंगे अहमद भाई, क्या वो नहीं जानते कि जब फिरंगी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो ये किस खेत की मूली है? जिस देश के एक ही छत के नीचे गीता कुरान बाइबल ग्रंथ साहब एक साथ पढ़े जाते हों, उस मुल्क का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्या बात है, ठीक ही कहा तुमने। अरे अहमद भाई से क्या देना था, मराठे का बच्चा हूँ, शिवाजी की संतान, हर मरण जान देना नहीं जानता, जान लेना जानता है। आई शपथ कांधे बजट की गरक काट कर रख देंगे। अरे सब बाबिया दी फट्टे चक देंगे। मारांगे कट कसीटांगे ज्यादा, फाड़ के गले च पा देंगे जुतिया दा हार। ओ भाई गुरु सद के जावा, कमाल की आई। ओए जोगिंदर सिंह, हमारे इस देश की धरती में चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे के खून की खुशबू अब भी शामिल है। दोस्तों तारीख गवाह है कि हमारे इस वतन में किसी जात किसी फिरके के दरमियान कोई दीवार नहीं है। जब भी वक्त पड़ा है तो हम सब ने कंधे से कंधा मिलाकर अपनी मादर वतन के लिए अपनी जानें दी हैं। हरी बात है, हर हर महादेव की कृपा से हमारी एकता बनी रहेगी और हमारा तिरंगा इसी तरह लहराता रहेगा। जय श्री। तो फिर बुला उन जियाले नौजवानों को जो मादर वतन की आजादी के लिए अपनी जान निसार कर सकते हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोगों ने मुझे खबर तक नहीं दी। उस सालों ने मेरे बापू का बाजू काट दिया। बाहर के दुश्मनों से तो टकराते हैं, अब अंदर के दुश्मन से भी टकराना होगा। हमें पुलिस की मदद मिलनी चाहिए, लेकिन थाना इतनी दूर है कि पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। आप लोग लिख कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि थाना यहाँ हो। वैसे उसका अड्डा कहाँ है? आंखें बंद करके ले गया था, वैसे छोड़ गया। अशोक अमर तुम दोनों यारों के नाम तारा ही। तार क्या बात है बेटे, तुम पढ़ते ही खामोश क्यों हो गए? जंग छिड़ गई है, हमें बुलाया है। अरे ये तो खुशी की बात है, मैदान जंग में अपना जौहर दिखाने का मौका आया है। लेकिन हम गांव छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे। हाँ हम वर्दी नहीं डालेंगे। नहीं पहनोगे? जिस वर्दी को मैंने भगवान समझ के पूजा उसे तुम नहीं पहनोगे? अरे बेवकूफ हो, जब ये देश नहीं रहेगा तो ये गांव कहां से रहेगा? लेकिन हमारे जाने के बाद हमारे घरों की हिफाजत कौन करेगा? जो घर के लोग हैं वो हथियार उठाएंगे और अंदर के दुश्मनों से टकराएंगे। क्या तुम एक घर की हिफाजत के लिए करोड़ों घरों की हिफाजत करना छोड़ दोगे? एक दो ना जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बॉर्डर पर जाने के लिए और भी तो मां के लाल हैं। अगर हर मां अपने लाल को गले से लगा के रखेगी तो कौन माई का लाल बॉर्डर पर देश की रक्षा करेगा? बापू लेकिन अपनी हालत तो देखिए, ये जख्म ये चोटे। ये जख्म ये चोटे कुछ नहीं। अरे बेवकूफो, तुम जानते हो फौजी क्या है? फौजी का फौलाद है सीना, सितम हजारों सह जाएगा, मर जावांगे ता क्या हुआ, देश तो जिंदा रह जाएगा। दुश्मनों के कटे हुए सरों पर चलकर आना भैया, इस टीके की लाज रखना। इस माटी की लाज रखना बेटे, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। देखो भैया, सारे गांव को राजी खुशी की खबर देते रहना। चाची हमारे लिए दुआ करना। जीते रहो बेटा, मैं तुम्हारी कामयाबी की खुशी ईद की तरह मनाऊंगी और तुम्हारी उम्र के लिए अल्लाह से दुआ करूंगी। ओ भैया गोली खाना सीने पे,
पीठ पे नहीं। हाँ हाँ, मुझे नसीहत मत दे। और सुन, तू अब बड़ी हो गई है, शरारतें छोड़ दे। अरे कल तेरी शादी हो जाएगी, तू अपने घर चली जाएगी, और बापू का ख्याल रखना। अपनी वर्दी की लाज रखना बच्चों, इसे पहनने का हक सिर्फ तुम्हें है। बापू, तुम ही ने तो कहा था। चाह था मरा था तो मिलकर के फट्टे चख देंगे। रिपोर्टिंग सर। आप दोनों फौजी धर्मा के बेटे हो? यस सर। तो फिर धर्मा की तरह बहादुरी के जौहर दिखाने होंगे और गोली सीने पर खानी होगी, पीठ पर नहीं, समझे? सर, हम अपने देश के खातिर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। डोंट वरी सर, हम दुश्मन को बता देंगे कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये कहना बहुत सरल है, अगर करके दिखाना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन परीक्षा है। बबुआ, यहाँ गोलियों की छांव और बारूद के बिस्तर के सिवा और कुछ नहीं। पटाखों की आवाज सुन रहे, देख रहे हो किस तरह हमारे देश के नौजवान अपने मुंह में वंदे मातरम लिए अपने मातृभूमि पे कुर्बान होते जा रहे हैं। सर, हम भी अपनी धरती माँ पर जान देने आए हैं और वंदे मातरम कहकर ही जान देंगे सर। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर से चिट्ठी भी आ सकती है और वो तुम्हारी माशूक की भी हो सकती है, अंडरस्टैंड? माशूक तो हमारी धरती है सर, और हम उसके आशिक हैं। जैसे आशिक माशूक पर मर मिटता है, वैसे हम भी अपनी धरती माँ पर मर मिटेंगे सर। शाबाश, भाजा देश है वीर जवानन सा, तुम इम्तिहान में खड़े निकले। लगता है हमारे शहीदों की आत्मा अभी तक मरी नहीं, वो आज भी जिंदा है तुम जैसे नौजवानों में, कल को जिनके हाथों में हिंदुस्तान की बागडोर होगी। मेरे मुल्क के जाबाज सिपाहियों, दुनिया को ये दिखा दो कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, और ये तभी होगा जब हम में से किसी की कुर्बानी रंग लाएगी। अरे अबे ओ पहलवानो, आ गई मेरी मौत। फौजी धर्मा की बेटी लाडो, फौलाद है फौलाद। अरे चिंगारी है चिंगारी, उस दिन की मार मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। अरे ओ चिंगारी है तो हम शोले हैं, शोले आण दे साली को। आजा आजा आजा। हाय रब्बा हाय रब्बा, मुझे पता था तुम लोग बाज नहीं आने वाले हो, मुझे पहले से पता था। हाय रब्बा, इस भरी जवानी में आधी घरवाली को मारे जा रहे हो। हाय रब्बा, मैं कितने जावा, मेरा जोबन तो देखो, मेरी टांगे तो देखो, ये टांगे नहीं कबाब है कबाब, इन्हें खा जाओ कच्चा चब्बा जाओ। उन चारों चुड़ैलों में क्या रखा था जो मेरे साथ ऐसे किया, मैं तो तुम चारों गेंदों के बच्चों की माँ बनना चाहती थी। हाय रब्बा, हाय रब्बा। अच्छा कोई बात नहीं, मेरा शबाब तो देखो, मेरे होंठों के कबाब तो देखो, आजा आजा चारों मिलके इसे खा जाओ। अबे मत जा, ये हमारी माँ है, खा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी। ओ पासे हट, लैण दे पंजाबी चुम्मन, बड़े अरसे बाद मिल रहे आई आई हूँ, चुम्मन ले लो। आजा आजा आजा, आ ठहर जाओ, पहले महक का कमाल तो देख। Thank you.
लाडो, तेरे को शर्म नहीं आती गुंडागर्दी करते हुए? वो तो ठीक है कि मैं नजदीक का आदमी हूँ, दूर का आदमी होता तो तेरे को अंदर कर देता नहीं। अबे ओ लल्लू राम, तू मुझे अंदर करेगा? मुझे मालूम था देश के रक्षक किसी तरह बोलते हैं। हमें तो तू बहने कहता है और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता, उन्हें लुटते हुए देख सकता है? ये ले, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, चूड़ियाँ पहन ली इसे। मैंने तुम्हें चालान के लिए भेजा था और तुम चूड़ियाँ लेकर आ गए। अरे ये तो तुम्हारी लाडो बहन की निशानी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक मर्द होकर चूड़ियाँ लाते हो। अब हम तुम्हें एक निशानी और देंगे। वो तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है, नी हम आंख बंद करता है, हमको जो कुछ भी देना है दे दो। ए, पिता उतारता है, हमको पीछे भेजने का इरादा है क्या? तुम्हारी तरक्की हो रही है, तुम्हें सब इंस्पेक्टर से हेड कांस्टेबल बनाया जा रहा है। मुझे मजा आ गया करतार। वो देखो, लोगों को खाने को नहीं मिलती रोटी और रंगा का कुत्ता खाता है बोटी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वफादार जानवर है। तू भी कुत्ते का झूठा खा और वफादार बन जा। जा 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 जा। ठीक, जो कहोगे वही करूंगा। और रंगा, अरे कुछ हमारे बारे में भी सोच। राम राम राम, कुछ हमारे बारे में भी सोच। मेरी तो प्यास ही नहीं बुझती, कोई शिकार ही नहीं मिलता। और मेरे बच्चों, सब तुम्हारे खेलों के बारे में क्या होगा रंगा? वो आ गया, कुत्ते का झूठा खा के आ गया। लो खा लिया। अच्छा किया, अब वफादारी का सबूत दो। कैसे? तेरा लड़का, क्या नाम है उसका? हाँ, प्रकाश। उसकी शादी धर्मा की लड़की के साथ कर। लेकिन कैसे? वो लोग तो मेरे खानदान से गरीब हैं। गरीब हो या अमीर, मुझे तो मिटानी है धर्मा की तकदीर की लकीर। हाँ लेकिन चाप! रंगा की अदालत में चलती नहीं किसी की वकालत। किसी को धर्मा के यहां भेज और बात आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। अश्विन, मुझे तेरी निगोड़ी वर्दी अच्छी नहीं लगती। हाँ क्यों जी? प्रिय है, मेरा वर्दी बहुत शानदार जी। मैं डरती हूँ रंगा तुझे गोली ना मार दे, मैं स्वागन से अभागन ना बन जाऊ। नहीं नहीं, मैं तेरे को बेवा नहीं बनने दूंगा, मैं तेरे को स्वास सरंगी की माँ बनाऊंगा जी। हाय, कब दिन आएगा? वो रात आएगी तो दिन आएगा ना, मेरी डार्लिंग है। तो तुझे मुझे पाने के लिए वर्दी उतार के कच्चा डालना होगा। हाँ। अरे मैं तेरे को पाने के लिए कच्चा तो क्या, लंगोट पहनने को भी तैयार जे, पर तू मेरे को कुछ नहीं करना। नार कोड़ तो लाई, अन्ना पकड़ तू ले। शंकर, क्या खबर लाए थे? अरे खबर तो गर्मा गर्म है धर्मा जी। हमारी फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसके हौसले पस्त कर दिए। तू गर्मा गर्मी की खबरों को भूल जा और मेरी जिम्मेदारी को हल कर दे। अरे अशोक बोल गया था लाडो की शादी कर देना। मतलब देवी से पहले लाडो की शादी? देवी माने तब ना। क्या बात कर रहे हैं धर्मा जी, देवी से पहले लाडो की शादी की बात कर रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो जन्म जन्म तक शादी नहीं करने वाली। क्यों? शंकर चाचा, ये जन्म तो उनके लिए है जिन्होंने हमें जन्म दिया है। आप बस इतना काम कर दीजिए, मेरी लाडो के लिए एक अच्छा सवार ढूंढ लीजिए। है ना वर, जभी तो कह रहा हूँ, वो सवा का चौधरी करतार चंद है ना, एक ही बेटा है उसका, जमीन जायदाद बहुत है,
कहो तो बात बढ़ाऊं। बात क्या, मिलकर बात पक्की कर लो। निरंगा, मीठा खा। क्यों खाऊं? तूने कहा था ना अपने बेटे की शादी धर्मा की बेटी से करा दूं। हो गया नाता नक्की, शादी पक्की, मेरी बात सच्ची। हाँ बिल्कुल। कुत्ते का झूठा खाया, वफादार बन के दिखाया, शादी का मतलब है बर्बादी। रंगा खुश, रंगा खुश, रंगा खुश। बस अब बिरजू को कपड़े और जेवर लाने के लिए शहर भेजना है। चौधरी धर्म सिंह जी नमस्कार। आप अचानक आइए बैठिए। नमस्कार। माफ कीजिए चौधरी साहब, अब शादी से पहले थोड़ी बातचीत कर लें तो। ठाकुर साहब शादी तो पक्की हो गई है, अब क्या बात करनी है? चौधरी साहब शादी तय हुई है, लेन देन की बात तो तय नहीं हुई ना। लेन देन? बेटी वाला तो अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, सो करेंगे हम। लेकिन लेने वाला भी तो अपनी हैसियत के मुताबिक लेता है, आप कुछ भी दे देंगे ऐसे कैसे चलेगा? आप चाहते क्या है? बस एक ट्रैक्टर। ट्रैक्टर? हाँ ट्रैक्टर। हमारी जमीन बहुत है, अकेला लड़का है, कैसे संभालेगा? लेकिन शादी को तो सिर्फ 4 दिन रह गए। कल पैसे देकर शहर से मंगवा लो, देर क्या लगती है? देर का नहीं पैसे का सवाल है ठाकुर साहब, हम तो रोज कुआं खोदकर पानी पीते हैं, इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते। हमें बेइज्जत मत कीजिए ठाकुर साहब, मैं आपके पांव। क्या बापू, बॉर्डर पर दुश्मनों का सर काटने वाला फौजी आज सर झुका रहा है? सर उठा ले बापू, इन्हें ट्रैक्टर मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन हमें इसके लिए 1 साल की मोहलत चाहिए। 1 साल के बाद ट्रैक्टर मिलेगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है? गारंटी मैं लेता हूं ठाकुर, ये जिम्मेदारी मेरी है। रंगा, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने मोहलत दे दी। मोहलत दे दी, बहुत अच्छा किया। उसकी बेटी घर आएगी, उसके साथ आंख मचोली खेलेंगे, सूद वसूल करेंगे, चुईया कहां होगी? शेर के पंजे में। रंगा खुश, रंगा खुश, रंगा खुश। नहीं ले जाने दूंगा। कैसे नहीं ले जाने देगा? ये लोग देख रहे हैं ना, तू पैसे दिए हैं, 2 साल हो गए, असल तो असल सूट तक नहीं दिया तूने। दे दूंगा, जिंदा हूं, मर तो नहीं गया। अबे मर गया, अगर मरा ना होता तो पैसे ना दे दिए होते तूने। अबे अब भोजनी के, कहां ले जा रहा है ये बैल? क्या ये तेरे बाप के हैं या तू इन्हें दहेज में लाया है? देख लाडो, तू बीच में मत पड़। अबे ओ बेपेंदे लोटे, अरे लाडो के होते हुए किसानों के बैल छीनेगा, उनके बच्चों के मुंह का निवाला छीनेगा। हाँ आगे मत बढ़, नहीं तो मेरा आदमी गोली चला देंगे। हा? अरे इनसे बड़ी गोली तो मैं हूँ। क्यों बच्चों, तुम क्या मुझ पर गोली चलाओगे? देख लूंगा तुझे मैं। हाँ। क्या देख लेगा लुटन कबूतर? ओ गीता अपने बाप को ले जा, इसकी तो धोती खुल रही है। हाँ। चलो बापू चलो। क्या अपने आपको किसी की भी धोती उतार देती है? अबे ओए सुन ले, इस बार तो कर दिया माफ, अगली बार आया ना तो कर दूंगी साफ। आओ देवी आओ आओ। क्या कर रहे हो लाला? इस देवी की पूजा कर रहा था, एक ये देवी एक तू देवी। ये तो साक्षात देवी की तस्वीर है लाला, इसमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो कोई फर्क ही नजर नहीं आता। वो भी आ जाएगा लाला। अरे हाँ लाला, जगतराम के कितने पैसे हुए? पूरे 4,000। पर मैंने तो सिर्फ 2,000 रुपए लिए थे। भाई 2 और 2 सूद के मिलकर 4 हुए ना, बस मैं 2 और 2 22 लिखता हूँ, पर देवी की कृपा से 4 लिख रहा। अगर देवी कहे तो चोपड़ी दिखा दो। मत दिखा चोपड़ी लाला, तेरी चोपड़ी तो भगवान खुद ही देख लेगा। अरे वो क्या मेरी चोपड़ी खोलेगा, वो तो मुझ पे बहुत मेहरबान है। लेकिन देवी तू उनका कल्याण करना छोड़ दे, कब तक उनका कर्ज चुकाती रहेगी? कहीं ऐसा ना हो कि तुझे एक दिन उनके लिए बिकना पड़ जाए। इस देवी की कृपा से देवी के हाथों ने सिर्फ देना सीखा है, लेना नहीं। अरे वक्त बदलते देर नहीं लगती, कई बार देने वाले को लेना पड़ जाता है। जिस दिन तू लेने आएगी ना तो तुझे मैं चांदी और सोने से भर दूंगा। Thank you.
रंगा का दुश्मन आ पाया पंजे। अरे ये तो बिरजू है, धर्मा का बेटा। बिरजू या सोचू, गाजरो या मूली, रंगा के लिए दोनों बराबर है। हंसो हंसो वरना बदबू फैला दूंगा। बापू एक तो मैंने लाडो का सारा सामान जमा कर दिया और बिरजू तो जेवर लेकर आता ही होगा। दीदी अब बिरजू कभी नहीं आएगा। दीदी ये तो क्या कह रही गीता, अब तक तो उसकी चिता भी ठंडी हो गई होगी। दीदी बिरजू मेरा बिरजू, अरे मेरा बिरजू, अरे तू तो अपने लाडो की देर लेने गया था ना, अरे मेरा बिरजू, बिरजू मेरा बिरजू। बापू देख बापू अपना बिरजू लाडू के लिए टीका लेके आ रहा था। बापू अब लाडू को टीका लौट पहनाएगा। बापू मेरा बिरजू। सब्र से काम लो बेटी। कैसे सब्र से काम लो बापू, एक भाई देश की रक्षा के लिए चला गया, दूसरा जो हमारी रक्षा के लिए था उसको भगवान ने उठा लिया। बापू मैं कैसे सबर करूं? बापू मुझसे नहीं होता सबर। मेरा बिरजू वक्त हमसे बहुत बड़ा इम्तिहान ले रहा है बेटी। बापू बापू हम मेरी लाडू की शादी कैसे होगी बापू? हाँ बापू बोला। ये फौजी की बेटी की शादी है, शादी होगी बेटी और उसी तारीख को होगी। जीती रहो बेटी। देखती क्या है, चांद का टुकड़ा है। हटू जी चांद का टुकड़ा मत कहो, चांद तो दूर से रोशनी देता है, इसे तो दिन रात काम करके घर को संभालना है। बहू प्रकाश की मां से सब काम समझ ले। जी पिताजी। देख बेटी सुबह 4 बजे उठकर चक्की का आटा पीसना, हम लोगों को ताजे आटे की रोटी खाने की आदत है। जी बाजी। क्या सोच रहे हो अशोक? कुछ नहीं, अचानक आज लाड़ू की याद आ गई। शादी के पहले तो पूरे गांव में उछलती कूदती रहती थी, पता नहीं शादी के बाद उसका क्या हाल होगा। मलमोही लाडो रानी ले इसे भी पीस, तू नई नई काम कर रही है, मैं भी इस घर में ऐसे ही काम करती थी। अरे जल्दी हाथ चला, एक हाथ से दाल और दूसरे हाथ से चक्की चला। मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा, जेरे सुख में मानी दित्ते इत्थे लपन जावा। अरे क्या हाल है हमारी चिड़िया का? धीरे धीरे पर काट रहा हूँ उसके। काटता जा, जब सारे पर कट जाएंगे तो चिड़िया। आशा मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेरू भैया। शेरू भैया तुमने तो भाई को याद नहीं किया, भाई खुद आ गया। आइए चलिए शेरू भैया। बहुत अरसे बाद अल्लाह मियां ने बहन को मिला है, आ बैठ बैठना। तू कैसी है? हाँ भैया मुझे बहुत अच्छा घर मिला है। और दीदी से कहना कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ये क्या? हाँ भैया बहुत खुश भगवान की कसम। लेकिन दीदी से कहना कि जल्दी से जल्दी ट्रैक्टर भिजवा दे। दुल्हनिया कैसा है? बहुत अच्छे, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। ये ले। इसमें क्या है भैया?
शक्कर और बादाम अम्मा ने भेजे हैं। चलो ना अंदर चलते, चाय पानी पीते हैं। बहन का घर है ना, पानी कैसे पीऊंगा? तो एक चीज तो भूल गई। वो क्या भैया? आज राखी है। बहन भाई को राखी बांधना भूल सकती है, पर भाई बहन से राखी बंधवाना नहीं भूल सकता। मैं सबको साथ में लाया हूं, ये देख। या परवरदिगार, मुझे ताकत दे कि ये भाई राखी की लाश रख सके और बहन की हिफाजत करते हुए खून का आखिरी कतरा बहा दे। खुदा, चलता हूं बहन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज। क्यों रे कुलक्षणी, ये खुदा हाफिज किसे कह रही थी? नहीं माँ जी, ये मेरे शेरू भैया हैं। तेरा एक भाई तो मर गया, दूसरा फौज में है, ये तीसरा कहाँ से पैदा हो गया? हमारे गांव में रहते हैं ना, वो तो बचपन से मुझे और दीदी को बहन मानते हैं। मानने से क्या होता है, वो तेरा सगा भाई तो नहीं है ना? मैं तो उनके सगी बहन से भी बढ़कर हूँ। देखो ना मेरे लिए क्या लाए और मुझसे राखी भी बनवा गए। मुझे तो इस चुड़ैल के लक्षण ठीक नजर नहीं आते। इस सोने की चिड़िया को तो मैं ही सबक सिखाऊंगा। देवी बहन, लगता है भगवान हम पर बहुत खुश है, फसल बहुत अच्छी हुई है। अरे ये सब तो आप लोगों की मेहनत का फल है। बस एक बार मेरी लाडो का ट्रैक्टर आ जाए। अरे चुड़ैल, गई मेरी लाडो रानी। अरे अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले तो ये कपड़े तेरे मरी माँ धोएगी? ट्रैक्टर देंगे। लाडो, ट्रैक्टर के सारे पैसे जमा हो गए। अब मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी लाडो, बहन तेरा ट्रैक्टर लेकर मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। सरदार मुबारक हो, आज आपका जन्मदिन है। अरे मेरा जन्मदिन तो समझो हो गया धर्मा का मरण दिन। किसको मारने के लिए आया है बड़ी तू? तेरे बाप धर्मा को। मारो मारो, उसमें तुम्हारा फायदा है। हम तो कागजी कार्रवाई करने के लिए आया था तो कर लिया। जाता है दो नंबर को। ओए सोनिया, मखना तो खेड़े हो, और तोड़े पैर भी दो, और तोड़े हाथ भी दो, तोड़े कान भी दो, और तोड़े अखा भी दो, और फिर हमसे क्यों नाराज है? जरा मक्खन जैसा मुकड़ा हमारी ओर तो करो। हाय हाय, भाई गुरु भाई गुरु गुरु, वो कितने फंस गया भाई? भागा कहाँ जा रहा है पंजाब के जाट? हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी तो वोटिंग लिस्ट में नाम है। एक काली शक्तिशाली माँ, मेरे बच्चों को शक्ति देना ताकि वो देश का नाम रोशन कर सके और दुश्मनों का नामो निशान मिटा सके। टुडे, ओ टुडे, ओ टुडे, भगवान की पूजा को छोड़ शैतान की पूजा में लग जा। आज तुझे पता है आज मेरा जन्मदिन है। भगवान करे आज तेरा जन्मदिन नहीं मरण दिन हो। अच्छा तो तू भी पगला कहीं का, कभी पाप का भी नाश हुआ है? राम से लेकर रंगा तक, किशन से लेकर रंगा तक,
पाप चलता आ रहा है और चलता रहेगा। झूठ बोलता है। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, मेरे बापू मर गया है, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। रो मत, रोने से अगर वो जिंदा हो जाते तो हम भी तेरे साथ रो लेते। हमें तो तुमसे पूरी हमदर्दी है बहू। कम से कम जाने से अपने बापू का मुंह तो देख सकूंगी, आखिरी दर्शन तो कर सकूंगी, मुझे जाने दीजिए। बेचारे धर्मा की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब तेरी बहन खुद ट्रैक्टर लेकर यहाँ पहुंचेगी। बस ट्रैक्टर आने की देर है, फिर हम तुझे खुद उस ट्रैक्टर पर बिठा कर तेरे घर वालों से मिलवाने ले जाएंगे। आप मेरा दुख समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तेरा दुख सुख तो अब इस घर की चार दीवारी में है। लेकिन इस चार दीवारी में रहकर भी मैं अपने घर को बिल्कुल नहीं भूली। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। बहू के लक्षण ठीक नजर नहीं आ रहे हैं प्रकाश, इसको दूसरे कमरे में बंद करके ताला लगा दो। चल, मेरे बाप आपसे मुंह लड़ाती है, जब तक ट्रैक्टर नहीं आता तो जाने नहीं जाएगी। मेरे बाबू के पास जाने दो मेरा डंडा। अरे क्या हुआ डालिंग गीता तेरे को? डंडा रखा था चोर को मारने के लिए, दूसरा चोर आएगा तो दूसरा डंडा मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे तू काहे को चिंता करती है नी? मेरे पास डंडा है नी, मैं चोर को पकड़ूंगा। बस खाली तू शादी के लिए आके देनी। पहले मुझे डंडा दो अपनी हिफाजत के लिए, बाद में मैं सोचूंगी। लो भाई पहली बार कुछ मांग रही है, ले मेरा डंडा। अरे मेरा डंडा लेके चली गई और मैं इधर खड़ा रह गया। डार्लिंग आता हूँ ना। हुक्का बोला गुड़ गुड़ गुड़, रंगा खुश रंगा खुश। मार दिया? बिल्कुल मार दिया। तो अब किसकी बारी है? तू बोल। तेरी माया तू ही जाने और बाकी है सब अनजाने। सच बोला, रंगा की माया कोई नहीं समझ पाया। रंगा है माया मच्छंदर, उसके अंदर है सात समंदर। अच्छा चल बता रंगा कौन है वो? हाय, जिससे तू रोज मालिश करवाता है, इतना इतना रोज चिकना हो रहा है। हे राम हे राम हे राम, हम यारों की भी तो मालिश करवा, लक्ष्मी के दर्शन तो करवा। लेकिन हम रंगा के हाथों लाचार है, वो हम सबको कभी भी मरवा सकता है। बहू क्या तुम चाहोगी कि तुम सुहागन से अब हागन बन जाओ? मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी पर नाज है। नहीं बाजी, मैं ऐसे नहीं चाहूंगी। हर भारतीय नारी का फर्ज होता है कि अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करे। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगी। बेटी सिर्फ एक बार हमारे लिए लाडो बन जा, उस जहरीले नाक को पत्थर से मोम बना दे, बस। ठीक है, मैं लाडो जरूर बनूंगी, अपने खानदान की मर्यादा रखने के लिए बनूंगी, जरूर बनूंगी। एक बेटी जब पैदा होती है उसे लक्ष्मी कहते हैं, माँ की ममता बाप का प्यार बुरी नजर से बचाते हैं। जब जवान होके अपने पति के घर जाती है, वहां भी वह नई नवेली दुल्हन उस घर की शान बहाती है। फिर संसार वाले क्यों उस पे अत्याचार करते हैं, उसकी इज्जत से खेलते हैं और बलात्कार करते हैं। हाय रे नारी तेरी अजब कहानी है, आंचल में है दूध आंख में पानी है। हाय रे नारी तेरी अजब कहानी है, आंचल में है दूध आंख में पानी है। ए, थाम, थाम। लाइट कुटे, लाइट करने लावले। दिन भर कोई लाइट जलाता है? रात होगी तो जलाऊंगा ना। बेचा हाइला तुझे बापा चा नौकर आए क्या? रात होएल दिन पर मैं इंतजार करेगा क्या? अरे ऐसी लापरवाही से तो मैं किधर से किधर पहुंच गया। देख मैं खाली हवलदार रह गया, अभी मैं तेरे को छोड़ेगा ना तो सीधा नारे पे आ जाएगा। नारे पे आ जाएगा तो मेरी गीता मेरे पे मर जाएगी रे। अरे गीता मजी आई संगत होती गीता ना घरी गे उन्हें गीता। ओ हो, किधर उड़ गया?
चाचा आएगा। चाचा, चाचा मेरे चाचा, चाचा मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा पूछो क्यों? क्यों? चाचा मैं जल्द से जल्द ट्रैक्टर ले लूंगी। ये तो सब भगवान की मेहरबानी। चाचा ये तो बहुत बड़ा तूफान है। हाँ। चाचा मेरे पैसे। शैतान की सुन ली, अब ट्रैक्टर नहीं आएगा। लाला देख, लाला मैं बिखरी के लिए आ गई। तू आ गई बेबी। हाँ लाला, याद है तूने एक बार कहा था कि मैं बिक जाऊंगी। मैं बिकने के लिए आ गई हूँ लाला। खरीदार तैयार है बेबी, गरीब बिकता है, अमीर खरीदता है। और फिर तू तो मेरे दिल की देवी है, तुझे हीरे ज्वारात सोने चांदी में सजा लूंगा। अभी आया, अभी आया। तू हंस रही है ना? हंस, लेकिन एक बार अपनी संतान की जगह आकर देख कि और आजाद को कैसी कैसी मुसीबतों का जहर पीना पड़ता है। लेकिन मुझे मालूम है तू नहीं आएगी, तुझ पर तो चढ़ावा चढ़ता है ना, बहुत चढ़ावा। लेकिन तू फिक्र मत कर, अगर तू देवी है तो मैं भी देवी हूँ, तू अगर चांदी की है तो मैं भी इंसान हूँ। अरे तू तो गूंगी है, लेकिन मैं तो बोल सकती हूँ। और इस दुनिया में तेरी इज्जत बढ़ाने के लिए मैं तेरी कसम खाती हूँ, तेरी, कि सारे दुश्मनों का नाश कर दोगी, एक एक को चुन चुन के मारोगी। तेरी कसम खाई है मैंने। ले सोना, ले, ले सोना पहनती असली देवी लगेगी तू। लाला इसे दे सोना, ये सोने की भूखी है, मैं नहीं हूँ। तू इस देवी की बात करती है, इसे भूखा कहती है? इसे और दे सोना लाला, ये और खुश होगी। तू इसको खरीद सकता है लाला, लेकिन मुझे नहीं। मेरा नाम देवी है, देवी। मुझे खरीदने आया था, अब बुला तेरी चांदी की देवी को अपनी रक्षा के लिए। की गलती के लिए हमें माफ कर दो लाला, उसकी गलती का फल भी तुम सबको मिलेगा। हमें हर हाल में ट्रैक्टर चाहिए लाला। भूखे मरते हो और ख्वाब देखते हो ट्रैक्टर के? आप हमारी मजबूरी को क्यों नहीं समझते लाला? ये बात है तो लगा अंगूठा। कोरे कागज पे अंगूठा। प्यास किसे लगी है? हमें लाला। भूख किसे लगी है? हमें लाला। कुआं प्यासे के पास आता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? प्यासा कुएं के पास जाता है लाला। गरज किसको है? हमें लाला। ट्रैक्टर किसको चाहिए? हमें लाला। तो लगा अंगूठा। मुनीम जी इन सबको 10-10 हजार रुपया दे दीजिए। क्या करूं लाला, मैं अपनी बहनों के प्यार में जकड़ा हुआ हूं, हमारी जात में सूद लेना देना जुर्म है। वो ठीक है, अब तो फैसला बैक कर रहा हूं। मेरी बहनों का प्यार मेरे साथ ना होता लाला तो मैं तुझे सूद लेना देना सिखा देता लाला। बस कर बेटा, बस कर। इसका फैसला ना अदालत करेगी
ना इंसान करेगा, इसका फैसला अल्लाह और भगवान करेगा। अरे अल्लाह और भगवान करेगा, नीचे का भगवान तो मैं हूं, लगा अंगूठा। देवी देवी देखा अपने लाडो बहन के लिए क्या लाए हैं। देख बहन, गांव वालों की खून पसीने की मेहनत का तोहफा देख बहन। ट्रैक्टर मेरे लाडो के लिए? रंगा ये तो गजब हो गया, ट्रैक्टर तो आ गया। तो फिर क्या हुआ? उस पुजारण को सारे मंदिरों में पूजा करने के लिए भेज दे, ऊपर वाले ने चाह तो सारे भगवान मिलकर उसको आशीर्वाद देंगे। जाओ लाडो, पूजा का समय निकला जा रहा है, देर करोगी तो सभी भगवान नाराज हो जाएंगे। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जीती रहो, सभी मंदिरों में होकर आना जी, भगवान तुम्हारे संकट जरूर दूर करें। माँ क्या मैं जाऊं? हाँ बेटी जा, और भगवान की पूजा करना तो हर इंसान का धर्म है, और देख पूजा अच्छी तरह से करना, कहीं ऐसा ना हो कि सारे भगवान नाराज हो जाएं। अच्छा माँ। लाडो नी लाडो मेरी जान से प्यारी लाडो, लाडो नी लाडो मेरी जान से प्यारी लाडो, लाडो नी लाडो मेरी जान से प्यारी लाडो। लाडो देख, मेरी बहन देख, मैंने वादा पूरा किया लाडो, मैं ट्रैक्टर ले आई हूँ। लाडो लाडो, बापूजी ने जो वादा किया था ना पूरा हो गया लाडो, मैं और शेरू भैया ट्रैक्टर लेकर आए हैं लाडो। नमस्ते ठाकुर जी। आ गई तू? हाँ मैं आ गई ठाकुर जी, और वादे के मुताबिक मैं ट्रैक्टर भी लेकर आई हूँ। अब जल्दी से बता दीजिए ठाकुर जी, हमारी लाडो में पली लाडो कहाँ है? लाडो? अरे हाँ याद आया, वो मंदिर गई है कृष्ण भगवान की पूजा करने। मंदिर गई है भगवान जी के दर्शन के लिए? ठीक है ठाकुर जी, मैं भगवान जी के सामने उसे ये खुशखबरी सुनाती हूँ। अच्छा जय श्री कृष्णा। पंडित जी जरा भगवान जी को प्रसाद का भोग लगा दीजिए। हमारे होते हुए सीधा भगवान को भोग लगाने आई है? हम भी तो देखें तेरा प्रसाद। नहीं पंडित जी नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये भगवान जी का सुच्चा प्रसाद है, अब अपनी तुलना भगवान जी से कर रहे। घर को हमने भगवान बनाया है, इसकी पूजा छोड़ हमारी पूजा में लग जा। नहीं पंडित जी, अब तो भगवान का विश्वास है, और ये देखिए मेरे हाथों में सुहाग की चूड़ियां, ये मेरा सुहाग है। थोड़ी देर के लिए सुहाग की निशानी उतार के हमारा दिल खुश कर दे, फिर चूड़िया पहनकर सुहागन बन जाना। नहीं पुजारी जी नहीं, मैं अपने पति के सिवा और किसी की नहीं हो सकती, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। लाडो लाडो लाडो, देख लाडो मैं आ गई। देख अपनी बहन के साथ मजाक मत कर, मैं तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ लाडो। हे काली मैया, तू तो लाखों राक्षसों का नाश करती है, इस बच्ची की इज्जत को बचा लो। बोलती क्यों नहीं है? बोल माँ बोल। ये क्या बोलेगी? अरे पगली, कभी पत्थर की मूर्ति भी बोली है क्या? नहीं बोली ना? हमसे बात करो, कब से इंतजार है ये हुस्न और शबाब से खेलने का, अब डंक मार मेरी लाडो। मैं अब क्या के हाथ जोड़ूं? शहद की मक्खी अब काट मुझे। डंक मारने वाली लाडो कभी की मर चुकी है, अब मेरी शादी हो चुकी है। तो क्या हुआ, दुनिया में सभी लड़कियों की शादी होती है, आज तू मुझसे शादी कर ले। नहीं राक्षस मुझे छोड़ दे। हाय लाडो तू कहाँ है? हे बजरंगबली, श्री राम की दुलारे मेरी रक्षा करो। ये क्या रक्षा करेगा तुम्हारी? लाडो अपनी बहन को तंग मत कर। लाडो मैं थक गई
कर, मुझे जाने दो, मैं तेरी बेटी संभालू। बेटी या? बेटी संभाल रहे हो? अरे उस दिन तो तू बाप बनकर आई थी, जगत राम की पहल चुड़ा के ले गई थी, दादा बनकर दिखा रही थी। अरे गुलाब ने जगत राम को जब चुड़ा के ले जाएगा? मुझ पे दया कर लाला, मुझ पे दया कर। दया दया करूं? अरे उस दिन तूने मुझ पे दया की थी, जो अब मैं तुझ पे दया करूं? हाँ नहीं लाला, भगवान से डर, भगवान से डर लाला। अरे भगवान तो मैं खुद हूँ, आजा आजा मेरी भगवानी आजा। नहीं लाला, मुझे छोड़ दे।
देवी कहाँ है? देवी अंदर है। ये तो तुम्हारी बेटी है, मैं पूछता हूँ देवी कहाँ है? किस किस को पूछोगे इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो गांव की हर बेटी देवी है। चल यहाँ तो काम उल्टा हो गया। आज बड़ी हम कलाद करके आया है, तुम हमारा फीता नहीं उतार सकता है। खामोश, रात का चालान दिन में करता है। बढ़ गया, हमसे चालाकी करता है। अब देख तू अपना हशर। क्या करता है, क्या करता है? देख अपना नमूना। देख ये है तेरी असली असली। साहब बढ़िया, आपने मेरा अच्छा खासा ड्रेस उतार कर ये नारे वाला चड्डी डाल दिया। अभी लोग बोलेगा सब इंस्पेक्टर नारे वाला, सारंगी नारे वाला, नारे वाला। मर गए हुजूर, बर्बाद हो गए। रंगा लुट गए, देवी ने मेरे बेटे को मार डाला। वो भाई रंगा से टकराई? उसने गांव में एकता की जोत जगाई। गांव में इंस्पेक्टर देवी को पकड़ने आया और पूरा गांव उसके साथ हो गया। मैं पूरे गांव को शमशान घाट और कब्रिस्तान बना दूंगा। मेरे पास रखा भी क्या है आप? ले जाओ बाबा, जलवानी मिलता है। मासान जो मेरे पीछे डाकू पड़ गया है, पता नहीं किधर से आया है। भाई भागो भागो, बाबे तो चल ले जाएगा। नारा चला गया, अर्ध नारी रह गई है। अरे बिना नारे के मेरे राजा, तेरी मेरी शादी का बजेगा बाजा। अरे कहाँ है देवी जो मुझे मारने वाली है? उसको बाहर निकालो। तू है देवी? नहीं, मैं देवी नहीं हूँ। तू है देवी? नहीं, मैं देवी नहीं हूँ। कहाँ है देवी? तू है देवी? वो रही देवी। अरे अच्छा किया तू इस हवेली में आ गई। तुझे पता ही है कौन रहता है यहाँ? 100 बदमाश रहते हैं, उनको कहो कि वो बाहर निकलकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। पर कोई साला बाहर नहीं आएगा। मेरे जोरू के भाई जो लगते हैं सब सोए हुए हैं। चल चल कोई और रास्ता देख। चल चल या, या, या। रंगा उदास, बिल्कुल उदास। तू फिर गलत जगह पर आ गई। इस हवेली में 500 बदमाश रहते हैं जिनका डर कोसों कोसों तक है, पर मैं क्या करूं, ये भी मेरे साले लगते हैं। चल चल किसी और जगह पर चल। चल चल इंस्पेक्टर साहब, भगवान के लिए मेरी इज्जत बचा लीजिए। कौन है तेरी इज्जत लूटने वाला? इस कन्या की मैं इज्जत लूट रहा हूं मुन्ना। हाँ वो क्या कहावत है, कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कानून अंधा है।
तूने कुछ देखा मुन्ना? नहीं रंगा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। मेरी आंखों पर तो कानून की पट्टी बंधी हुई है। अच्छा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बाबा के रंगा के पाँव में छाले पड़ गए। पता नहीं सबको क्या हो गया है, सारे गांव वाले कुत्ते कमीने सो गए। अरे गांव वाले कुत्ता कमीना, अरे इस दुखियारी की मदद करो। एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, बताओ वो देख। हाँ ये कन्हैया है। राधा बन जा, ये अपनी राधा से बहुत प्यार करते थे, ये तेरा आशिक है, तू इसकी माशूक बन जा। मैं देखता हूँ कि कन्हैया अपनी राधा को बचाने आता है या नहीं आता। आज ही इम्तिहान हो जाएगा कि तेरा सच्चा प्यार है या झूठा। भला मैं ऐसे सच्चे प्यार को खुली आंखों से कैसे देख सकता हूँ? मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूँ, मैं ऐसा प्यार नहीं देख सकता। लो आया। नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया, नहीं आया। तो फिर ऐसा कर, तू इसकी द्रौपदी बन जा, ये अपनी बहन की रक्षा करने के लिए जरूर आएगा। जब जब औरत जात पर अत्याचार हुआ, कन्हैया जी उसकी रक्षा करने के लिए जरूर आए। आएगा, आएगा, अवश्य आएगा बाल के, अवश्य आएगा। भाई बहन का सच्चा प्यार न मरा है न मरेगा। देखता हूं तेरा कन्हैया तेरी रक्षा करने को आता है या नहीं आता। आए आगे बंद करता हूं। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। देखा, आशिक बन के भी नहीं आया, भाई बन के भी नहीं आया। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। आजा, आजा बैठ। इसका मतलब है तू धरती माँ का बोझ बन गई है। ऐसा कर, तू धरती माँ से कह, ए धरती माँ, जैसे सीता मैया को तूने अपनी गोद में लिया था, मुझे भी ले ले। भर जा माँ, भर जा, मैं इस दुनिया से तंग आ गई हूँ। भर जा, भर जा, भर जा। नहीं पड़ी। इसका मतलब है तू वाकई धरती माँ का बोझ बन गई है। अब तो तेरा बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। आज अब तो मेरे अंग लग जा। नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने जिस को हाथ लगाने नहीं दूंगी। नहीं लगाने देगी। देवी बहन, देवी बहन, सब कुछ बर्बाद हो गया। रंगा ने तुम्हारी बहन ज्योति की इज्जत लूट ली।
घबरा नहीं मेरी बहन, अल्लाह बहुत बड़ा है, चल मेरे साथ। आज तो तेरा भगवान भी तेरी मदद नहीं कर सकता। चलो देखो, सरदार को पानी पिलाओ, इसे पसीना आ गया है, मारते मारते थक गया है। मार मार के रंगा उदास। अल्लाह कसम, ये शेर खान इसका भाई है, जहां जहां बहन पर मुश्किल आएगी वहां ये भाई अपनी जान दे देगा। अच्छा तो तू भाई है तो मैं कसाई हूँ, कसाई। भैया, ये रहा हिफाजत करने वाला बाजू। याली मदद। हम गरीब नवाज की चौखट पर आ गए मेरी बहन, चल। ये क्या किया भैया, मेरी हिफाजत के लिए तुमने अपना बाजू कटा दिया। अल्लाह कसम, ये तो एक बाजू है, परवरदिगार मुझे हजार बाजू भी देता तो मैं अपनी बहन की हिफाजत के लिए हजार बाजू भी कुर्बान कर देता। चल मैं तुझे गरीब नवाज के दरबार पर ले चलता हूं, जहां से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। मानो जुनूब में तू ही तू, हर तरफ है अल्लाह, हर तरफ है अल्लाह, हर तरफ है अल्लाह, हर तरफ है तू ही तू। हम बेकसो की सुनो इल्तजा गरीब नवाज, हमारा कौन है तेरे सिवा गरीब नवाज, किसी तरह वलियों के वली तुम हो राजा मुहीनुद्दीन, वलियों के वली तुम हो राजा मुहीनुद्दीन, भाई बाप अन्नदाता ख्वाजा मुहीनुद्दीन, भाई बाप अन्नदाता ख्वाजा मुहीनुद्दीन। अपना निगेबा ख्वाजा अपना निगेबा, माई बाप अन्नदाता ख्वाजा मुइनुद्दीन, माई बाप अन्नदाता ख्वाजा मुइनुद्दीन। तेरे दर के म
मंगते हैं तेरा नमक खाते हैं, तेरे दर के मंगते हैं तेरा नमक खाते हैं, तेरी चश्मे रहमत का इशारा चाहते हैं, तेरे दर के मंगते ख्वाजा तेरे दर के मंगते हाँ तेरे दर के मंगते। हम अपने दामन उम्मीद को किस दर पे फैलाए, भटकने से तो बेहतर है तेरी चौखट पे मर जाए, तेरे दर के मंगते ख्वाजा तेरे दर के मंगते हाँ तेरे दर के मंगते। तेरा करम हो मुझ पे तो हम से मिले नहीं जाए, मजबूर हूँ मैं किस तरह फैलाऊ अपने हाथ, तेरे दर के मंगते ख्वाजा तेरे दर के मंगते हाँ तेरे दर के मंगते।
वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, वो नौजवान जा रहा जवान की खाक पर, हर एक जवान शहीद हो। ये क्या हुआ? हम जंग जीत गए सर, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए हैं। अल्लाह के करम से हमारा वतन हिंदुस्तान फतेहयाब हुआ। हमारी मातृभूमि कहाँ है? वो सर है, बिल्कुल सर, अभी कहाँ है? ये हमारी मातृभूमि। मादरे वतन, तेरी दुआओं के साए में हमारा वतन फतेहयाब हुआ। तो खुश है ना माँ? तो खुश है ना? हमने दुश्मन पर विजय पाकर तेरे आंचल को मैला नहीं होने दिया। माँ, तूने हमें जन्म दिया है माँ, अब हमें आशीर्वाद दे माँ। तेरी लाज को रखना हमारा धर्म था माँ, धर्म। जय अशोक, ये क्या हो गया है? पता नहीं क्या हुआ आखिर इस गांव को। ये बाजार बंद क्यों है? कहां चले गए सारे लोग? कहीं हमारे गांव को नजर तो नहीं लग गई? आखिर ये मातम क्यों छाया हुआ है? अरे हम जंग जीत कर आए हैं यार। पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या हुआ? हम जंग जीते हैं, हम घर आ गए। बापू, लाडो, ज्योति। चाची, हम जंग जीत कर आए हैं चाची। चाची, हमें आशीर्वाद दो चाची। पूरे हिंदुस्तान ने हमारा स्वागत किया, लेकिन अपने गांव में आया तो हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं था। हमने पूरा गांव खाली देखा। अरे चाची, जैसे बापू और बहनों ने हमें बॉर्डर पर खुशी खुशी विदा किया था, लेकिन आज लौटने के बाद न बापू हमें प्यार करने आए, न बहने आई स्वागत के लिए। कहां है बापू? लाडो कहां है? ज्योति, क्या बात है चाचा? तो चाची चुप क्यों है? हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे घर परिवार की रक्षा नहीं कर पाए। हम टूट गए बेटा, हमारी एकता टूट गई। एकता? किस एकता की बात करते हो तुम चाचा? और जब हमें एक होकर अपनी जाति और धर्म छोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर तुम सबकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पर लड़ते रहे, तुम जो अपने सर पर कफन बांधकर सरहदों पर तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम लोगों की हिफाजत के लिए गोलियां खाते रहे, तो तुम लोग हमारे घरों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सके, हमारे घरों की रक्षा नहीं कर सके। बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? बोलो। वहां तो एक वर्दी वाला ही दुश्मन है बेटा, यहां तो हजारों लाखों बेस में दुश्मन फैले हुए हैं, यहां तो खून ही खून का प्यासा है भैया। ज्योति, ज्योति भैया, तुम्हारी ज्योति लुट गई। भैया, तुम्हारी ज्योति लुट गई। बता बहन, बता किस राक्षस ने तेरा ये हाल किया है? बता। उस अंदर के दुश्मन का नाम ही रंगा, जिसने हमारे हरे भरे गुलिस्तान को बिखेर दिया। अल्लाह करे उस पे कहर टूटे। चाची, अगर हम बॉर्डर पर उस दुश्मन को कुचल सकते हैं तो इस अंदर के दुश्मन को कुचलना कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम आज एक होकर उसे कुचल नहीं पाए तो क्या हुआ, हम कल एक होकर उसे कुचल डालेंगे। मेरी बहन देवी कहाँ है? लेकिन भैया, तुम लोग बॉर्डर छोड़कर क्यों आ गए? क्यों आ गए घर तुम लोग? सरहद पर हम जिस काम से गए थे उस काम को तो हम पूरा करके आ गए। हमारा भारत जीत गया बहन, हमारा भारत जीत गया। लेकिन यहां आने के बाद जो यहां के हालात हमने देखे, उसके बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मगर यह बता बहन कि हमारे गुलिस्तान में किसने आग लगाई है? किसने हमारे इस हरे भरे घर को उजाड़ा है? किसने हमारे ज्योति की हालत की है? कहां गई हमारी लाड़ो? किसने हमारे बापू का खून किया है? किसने देशभक्त फौजी और किसान की बेटी को हाथ में बंदूक उठाने पर मजबूर किया है? बोल बहन, बोल, बोल। उसका नाम है रंगा। उसने और उसके कमीने साथियों ने हमें तबाह और बर्बाद कर दिया भैया, तबाह और बर्बाद कर दिया।
तुझे तेरे भाइयों की सौगंध, इस धरती माता की सौगंध, भारत माँ की सौगंध बहन, जिस तरह सरहद पर दुश्मनों के लिए हम आंधी और तूफान थे, उसी तरह आज से तू काली का रूप धारण कर ले और जो हाथ उठे उस हाथ को काट दे, जो पांव उठे उस पांव को तोड़ दे, दुश्मनों के गले को काट दे और बना दे काली माँ के गले का सिंगर। तुझे तेरे मरे हुए भाई की कसम, अपने देश हिंदुस्तान के लिए एक बार फिर जय हिंद की बेटी। मुझे माफ कर दो देवी, मुझे माफ कर दो, तुम साक्षात देवी लग रही हो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने जहाँ जहाँ गांव वालों से अंगूठा लगवाया वो सब कागज तुम ले लो, तुम ले लो, ले लो, मुझे माफ कर दो देवी। कुत्ते, तुम्हारी बेटी का नाम गीता है ना, क्या लिखा है गीता में बता कमीने बता। तुम बताओ बेटी गीता। जो जैसा कर्म करेगा भगवान वैसा ही फल देगा। अपने कर्मों को याद कर लाला और बलि के लिए तैयार हो जा। गांव वालों, यही है वो हत्यारा जिसने हमारे गांव के घर घर को तबाह किया। छीन लो इससे कागजात और बना दो इन कागजों से इसकी चिता। मुझे बोल इन कागजातों से हटा दीजिए। याद कर लाला, इन्हीं कागजों पर तूने गांव वालों की जवानी लिखी थी। ये माफ कर दो देवी। ओ लाला, तेरा तो कोई बेटा है नहीं, आज मैं देखती हूँ कि तेरा अंतिम संस्कार कौन करता है। गीता, सुखी लाला मर गया, मेरा चौथा कर गया, सुखी लाला मर गया, मेरा चौथा कर गया। पंडित जी नहीं, मैं आपकी माँ बराबर हूँ। बुढ़ा पर जवानी की लड़ाई छोड़, मुंह पे पल्लू डाल और मेरे पास आ जा। हाँ, देवी, तेरी मौत आज भी मेरी लाडो की रूह मुझे दिन और रात तड़पाती रहती है। जब तक कि मैं तेरा नाश नहीं कर देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अरे पंडित, कुछ तो ऊपर वाले से डर। तो मुसलमान है तू, हमारे मजहब में मत आ। तू खुद मजहब पर तर्क है। बोल, किस मजहब में लिखा है अपनी माँ बहन बेटे की इज्जत लूटना, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ अल्लाह और भगवान बसते हो। अल्लाह कसम, अगर यही मजहब में लिखा है तो कुरान पाक की कसम, ऐसे मजहब को मिटा कर रख दूंगा। किस तरह से तुम लोगों ने मेरी लाडो को तड़पास तड़पा कर मारा था, उसी तरह से मैं भी तुम लोगों को एक एक करके तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मुझे बचा, मुझे बचा। रेंगा, जैसा तूने कहा मैंने वैसा ही किया, मुझे माफ के पंजे पर रेंगा, 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 रेंगा। भाग हरामजादे भाग, भगवान को अंधा कहने वाले, जा उस भगवान से कह कि तेरी हिफाजत करे। रेंगा, कुछ भगवान का दूसरा नाम रंगा है और ये रंगा इस पंडित की हिफाजत करेगा।
क्या मिल गए। मुझे माफ कर देना। भाग कमीने भाग, किस तरह तूने मेरी लाडो को तड़पा तड़पा कर मारा था, आज मैं भी तुझे तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत मारूंगी। मुझे माफ कर, अल्लाह को भर्ती का बोझ हल्का कर दे। हाँ तो उधर है, उधर जा। मुझे मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? तुझे माफ कर दो? तुझे माफ करना औरत की नस्ल पर जुल्म करना है। नहीं, नहीं। बोल तुझे कहाँ मरना है, घर में या खेत में या वहां जहां तूने मेरी छोटी बहन लाडो को मारा था। नहीं हरामजादे, पापी को माफ करना तो पाप को बढ़ावा देना है, और तुझसे तो अभी मुझे पिछला हिसाब भी चुकाना है। बहन बोटी बोटी नोच डाल इस हरामजादे की। ये अंदर का दुश्मन है, इसे माफ करना हमारी तौहीन है। नहीं, अरे कोई है? अरे जमाना खत्म हो चुका है हरामजादे, जब हिंद की बेटी घूंघट की कैद से बाहर नहीं निकल पाती थी। तुझे माफ कर दूं? तूने दहेज की खातिर मेरे फौजी बाप की जिंदगी को नर्क बना दिया, मेरे जवान भाई को मार डाला, मेरी बहन की खुशियों से खिलवाड़ किया तूने कमीने। आज तुझे ये हिंद की बेटी ऐसी मौत देगी जिसके बाद तुझ जैसे दरिंदे दहेज का नाम लेना भी भूल जाएंगे। मुझे माफ कर दो, नहीं मुझे माफ कर दो, नहीं नहीं नहीं। हरामजादे, मिट्टी के भगवान को छोड़कर इसे सारी दुनिया पूछती है, तू इस भगवान के पास आ गया? अरे कुत्ते, आज तो अगर पाताल में भी होता तो मैं तुझे ढूंढ निकालती। तूने देवी की बहन की इज्जत लूटी है, तुझे इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं। आज मैं देखती हूँ जिसे तू मिट्टी का भगवान कहता था उसके राज में देर है या अंधेर। जब जब जिंदगी ने मौत को पुकारा, मौत चली आई। मैं आ गया प्रिय, मैं आ गया।
कहा फौजी देश भर गांव में पहरा दे रहा है, चलो उस पहरेदार को भी देख लेते हैं। रंगा क्या जाने हल और बंदूक का नाता, जब जब अपने देश पर आफत आई किसान भाइयों ने हल छोड़कर बंदूक उठाई, और जब हम लड़ाई जीत गए तो फिर बंदूक छोड़कर हल चलाने लगे। ये बंदूक और हल का नाता अमर था, अमर है और अमर रहेगा। मैं तेरे हल और बंदूक दोनों को खत्म कर दूंगा। अरे तू क्या टकराएगा किसान से, जो किसान इस धरती का सीना चीर कर अनाज उगा सकता है वो तुझ जैसे राक्षस को बंदूक उठाकर इस धरती पर दफन भी कर सकता है। तेरी मौत आ गई है बुजदिल, तेरी मौत आ गई है। रंगा और बुजदिल, अरे पगले, मेरे एक इशारे से दरिया का बहता हुआ पानी रुक जाता है और मेरी एक धार से औरत गर्भवती हो जाती है। हाँ झूठ मत बोल रंगा, मैंने तुझ जैसा कमीना मक्कार और डरपोक इंसान ही नहीं देखा। हट, रंगा को डरपोक बोलता है? हाँ डरपोक कहता हूं। अरे अगर हिम्मत है तो दिन के उजाले में इस फौजी और किसान से टकरा के देख। अरे रात को तो बुजदिल हमला करते हैं और तू अपने आप को दिलावर कहता है, है? पागल, बच्चों की तरह झुझलाता क्यों है? हिम्मत है तो मार मुझे, मार। अरे मैं हिंदुस्तान के करोड़ों फौजी और किसान भाइयों का नुमाइंदा हूं और मेरी मौत से करोड़ों किसान और फौजी तुझे कुचल डालेंगे। बस कांप गए तेरे हाथ? अरे भगवान श्री राम चाहते तो एक झटके में रावण को मार डालते, मगर भगवान श्री राम ने उसे मौका दिया और जब रावण का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तब भगवान श्री राम ने उसकी लंका जलाई, और अब मैं तेरी लंका जला डालूंगा। अमर जोत में जोत अपनी मिलाओ, ये मेरा वतन है तुम्हारे हवाले, उभरते सितारों हो तुम कल के फौजी, है फौजी वही जो वतन को संभाले, जिनके लहू ने सींचा वतन को, उनकी आन और शान बढ़ाना, तुम दुश्मन को माफ न करना,
कृष्ण के अर्जुन बन के दिखाना, बन के दिखाना, बन के दिखाना। यार रंगा को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी सर। फिकर मत करो, मैं फोर्स बहुत जल्दी भेज रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। अरे क्या खबर लाए हो? मौत की खबर लाए हैं। मौत? किसकी मौत की? जब जब किसान और फौजी का हुआ है साथ, तेरे जैसे राक्षस का हुआ है नाश। है? रंगा को राक्षस बोलते हो? मंगू, आ चंगू, मरते मरते सच तो बोला ना? हाँ चंगू। तो मिला हाथ? हाँ। जिस खेल को मैंने शुरू किया था आज उसे मैं ही खत्म करूंगा। सब इंस्पेक्टर से नाले पे आ गया। आज मैं तेरी सारंगी बजा दूंगा। कौन से परोड़े खाते हो, गोभी दे या मूली दे? दोनों।
रखली या रखली देसी ओए इसमें तो मिलावट लगती है अरे डाकू जी आपके पैसे की बहना खुश देवी बहन मार खाले को मार मार खाले को क्या हुआ अबे साले तू तो मरता नहीं मैं खुद ही मर जाता और क्या बिना मेरा क्या जाता वही चलिया तेरी वजह से वे नारे पे आ गया बिना क्या पड़ा है अरे ये क्या किया तुमने हम विद्यार्थी है हमारा भी देश के लिए कुछ फर्ज है जय हिंद अरे हरामजादे तेरी वजह से इंस्पेक्टर से नारे पे आ गया बड़ी डाकू तेरी वजह से सारंगा की सारंगी बची जय हिंद तुमने मेरे लिए जान दे दी मैं कितनी खुश नसीब हूँ मैंने कहा था ना हम भारत के नागरिक हैं वोट देने का हक रखते हैं तो देश पर जान देने का भी हक रखते हैं कितने फख्र की बात है कि एक देश के सिपाही की गोद में मर रही हूँ जय हिंद आशीर्वाद लेने आया है कि मार खाने आया है आशीर्वाद लेने आया देता हूँ आशीर्वाद ले लीजिए अरे भागो अपनी अपनी जान बचाओ याद कर कुत्ते देश के दुश्मन मैंने तुझे मारने की परवरदिगार की कसम खाई थी और जब मुसलमान परवरदिगार की कसम खाता है उसे पूरा करके रहता है मेरी बहनों तुम्हें तुम्हारे भाई के प्यार की कसम है गिन गिन के बदलो लो इससे नहीं याद कर रंगा उस दिन को मैं अपनी इज्जत बचाती भाग रही थी और तू आज अपनी जान बचाता भाग रहा है इसी मंदिर में तूने मेरी इज्जत के फूल को अपने पैरों तले कुचला था यही नापाक हाथ तेरा तेरे
का पेट भी पालते हैं और सरहदों पर सबकी रक्षा भी करते हैं। तूने उन दोनों की जान लेकर भारत माँ के लोगों के दिलों में जागृति पैदा कर दी है। इन लोगों की सोई हुई आत्मा को जगा दिया है तूने। देखा कमीने, हल और बंदूक की ताकत, किसान और फौजी की कुर्बानी का असर। अब हम सब मिलकर तुझे बताएंगे कि रावण का नाश कैसे होता है। हम सब एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। और अगर हमारे बीच में कोई आया तो उसका भी वही असर होगा जो कमीना अब हम तेरा करने वाले हैं। कमीने, याद है तूने मेरी बहन लाडो का नंगा नाच देखा था? भारतीय नारी को नंगा देखने वाले, अब देख अपना अंजाम। मैं देश का गद्दार हूँ, मैं अपने देश का गद्दार हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये हुआ रावण का नाश। जाओ, सब लोग अपने अपने घर जाओ और अपने देश के खातिर बहू बेटी बहनों को हिंद की बेटी जैसी नारी बनाओ। जाओ अपने अपने घर जाओ।